झारखंड में लगातार सेंट्रल एजेंसी की शक्ति देखने को मिल रही है, वहीं इसको लेकर महागठबंधन सरकार के तमाम विधायक मंत्री सांसद अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तमाम जो लोग हैं वह राजभवन के समय पहुंचे हैं, जहां विशाल महाधरना देकर अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां पर राज्य भर से आए हजारों कार्यकर्ता राजभवन के समीप जुटे तो ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई, जहां आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके और जिस तरीके से जहां जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां पर कि सरकार को हिलाने और गिराने का जो षड्यंत्र करती है, आप महाराष्ट्र को देख लिए कि गिरा दिया, दिल्ली में लगा हुआ है, दूसरे जगह पर छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। आज ईडी का सीबीआई का दफ्तर जो है पूरे हिंदुस्तान के 29 राज्यों से हट के यहाँ झारखंड में आके बैठ गया है। बिना वजह का ईडी का छापेमारी हो रहा है, सीबीआई का जांच हो रहा है, उसके बाद इनकम टैक्स का रेट पड़ रहा है। आप देख लीजिए कि दो दिन पहले महागठबंधन के ही दो विधायक कांग्रेस के, उनके आवास में 40 घंटा छापामारी किया गया और मिला क्या, 1,45,000 रुपये। क्या एक विधायक के घर में 1,45,000 रुपया नहीं रह सकता है? तो ये साजिश क्या है? बिना वजह का राज्य के मुखिया को तंग करने की कोशिश की जा रही है और उसको ईडी का समन दे दिया गया है। तो ये सब क्या है? ये सीधा सीधी ईडी को अपने बस में करके और इसका दुरुपयोग कर रही है। इसी के खिलाफ में पूरे झारखंड की जनता आंदोलित हो गई है और उसका नतीजा आपने 3 तारीख को देखा होगा कि मोराबादी मैदान में लाखों की संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। उसके बाद 5 तारीख को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन महागठबंधन के द्वारा किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अलग अलग जगह पर बैठे। आज 7 तारीख को महागठबंधन की तरफ से एक महाधरने का आयोजन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर रखा गया था, जहाँ भी आप देखे होंगे कि हजारों हजार की संख्या में लोग जमा हुए। रांची शहर का ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गया। इससे यह पता चलता है कि केंद्र सरकार जो साजिश कर रही है, ये साजिश है, इसको झारखंड की 3.5 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए जहाँ तक जाना होगा हम तैयार हैं। अभी हमारी शुरुआत है और लगातार ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पर जो ये हो रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से रोक लगा दी और उस सुप्रीम कोर्ट के न्याय का हम लोग स्वागत करते हैं और इनके मुंह पर भाजपा के जो नीत है उसके मुंह पर जो तमाचा पड़ा है उससे भी उनको सबक सीखने की जरूरत है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।